सो हाय गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डी के में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड के द्वारा कल के दिन अपने क्वार्टर फोर के जो परिणाम हैं, जो नतीजे हैं, वो पब्लिश किए गए थे। ठीक है, अगर आपने इसके क्वार्टर फोर के आंकड़े नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप जो है उसको वॉच कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अभी क्वार्टर फोर रिजल्ट्स के बाद आप देखोगे कंपनी के जो सीईओ है, ठीक है, सीईओ के द्वारा एक बयान दिया गया है। क्या बयानबाजी हुई है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमें अब आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, आपने देखा क्वार्टर फोर के जो आंकड़े हैं वो थोड़े ख़राब आते नज़र आए हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर्स आप देखोगे इबिड्डा में गिरावट है और उन सब के साथ साथ प्रॉफिट में डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखोगे प्रॉफिट में डिक्लाइन है, तो यहाँ से थोड़े रिजल्ट्स काफ़ी थोड़े ने भी ख़राब ही आते नज़र आए हैं। ठीक है, तो उसका बैड इफेक्ट स्टॉक के ऊपर आएगा। और वैसे भी कल के दिन आप देखोगे स्टॉक जो अभी 2% के आसपास टूट चुका था और कुछ एक हमें जो अभी अपडेट पहले जो इसकी आते नजर आए, काफ़ी अच्छी अपडेटें आते नजर आई थी, इनके द्वारा जो गिरवी शेयर रखे हुए थे वो छुड़वा लिए गए हैं, तो कुछ एक अपडेट्स अच्छी आते नजर आई है। बट जो नेगेटिव अपडेटें आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब इसके ऊपर इफेक्ट डालेगी और यहाँ से ये शेयर जो अभी 250 के भी अराउंड आ सकता है, जी हाँ 250 रुपये के आसपास भी आ सकता है। तो चलिए भाई देखते हैं, पहले तो जो बयानबाजी हुई है वो क्या हुई है, उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे की क्या लेवल्स हो सकते हैं। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कल के दिन 1,09,00,000 की वॉल्यूम भी हमें स्टॉक में देखने को मिली है। एक साल में आप देखोगे स्टॉक ने लगभग 12% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। ठीक है, और 52 वीक लो से जो कि 206 रुपये हैं, वहाँ से शेयर हमें जो अभी 33% के हैवी रिटर्न्स पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं अभी पहले जो अपडेट आई है वो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी वेदांता के जो क्वार्टर फोर के परिणाम हमें आते नज़र आए हैं वो 56% घटकर अब की बार आप देखोगे 2634 करोड़ रुपए देखने को मिला है इसका लाभ यानी प्रॉफिट। अगर रिवेन्यू की बात करें, राजस्व की बात है, तो ये भी हमें जो अभी 5% घटकर आते नज़र आया है। और वहीं आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी इबिड्डा की बात करें तो 33.4% घटकर जो अभी 8,754 करोड़ हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप देखोगे भी कितना बड़ा फॉल हमें जो अभी इन सब के अंदर आते नज़र आए हैं, जिसके चलते आप देखोगे कंपनी का जो शेयर है वो आपको 2% के आसपास टूटते नज़र आया है और 275 रुपये के आसपास क्लोजिंग ली है। वेदांता लिमिटेड ने 12 मई को मार्च तिमाही में लाभ में आप देखोगे 56% की गिरावट दर्ज की है। 2634 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट अब की बार किया है। ठीक है, और वित्त वर्ष के सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर कर देखें प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सेम मार्च क्वार्टर से, तो वहाँ पर आप देखोगे भी तकरीबन ये जो प्रॉफिट था वो 6,027 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो प्रीवियस क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हमें आते नजर आया है। कंपनी के मालिकों ने आप देखोगे जो कारण शुद्ध लाभ में 67% से अधिक की जो गिरावट दर्ज की है, ठीक है, और 1,881 करोड़ रुपये हो गया है। इन सब के चलते आप देखोगे जो सुनील दुग्गल जी है कंपनी के, उनके द्वारा क्या बोला गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मुख्य कार्यकारी यानी कि जो सीईओ है कंपनी के वेदांता के, सुनील दुग्गल ने कहा हमने 28,068 करोड़ रुपए का जो अभी अब तक का सबसे अधिक फ्री कैश फ्लो दिया है, ठीक है, जिसमें हमें व्यापार वृद्धि के लिए पुनर्निवेश करने और अपने मूल्यवान शेयरधारकों को आकर्षक लाभांश यानी कि डिविडेंड प्रदान करने में मदद मिली है। तो फ्री कैश फ्लो जो है वो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा जो है अभी फ्री कैश फ्लो कंपनी ने दिया, सबसे अधिक दिया है, ये हम भी मानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी सबसे ज़्यादा जो डिविडेंड देती है वो वेदांता है। वेदांता को डिविडेंड का बादशाह भी बोला जाता है अभी शेयर को। ठीक है, इस साल आप देखोगे कंपनी ने तकरीबन 120 रुपये के आसपास जो है डिविडेंड दिया है पूरे साल में। और यहाँ पर अब की बार आप देखोगे 33 रुपये का फिर से डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है क्वार्टर फोर में। तो यहाँ पर आपको जो ना अभी ये बयानबाजी देखने को मिली है, ठीक है, और उन सब के साथ साथ देखोगे हमने 1,868 मेगावाट अक्षय ऊर्जा वितरण समझौते को अंतरिम रूप दिया है। ठीक है, 868 जो मेगावाट अक्षय ऊर्जा है उसको अंतरिम रूप दिया है, और जो हमें 2050 या फिर उससे पहले कार्बन न्यूट्रल, ठीक है, बनने की दिशा में एक मदद और आप सॉरी एक कदम और करीब लाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे जो सेगमेंटल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जिंक, लेड और सिल्वर से रिवेन्यू में 4% गिरावट हमें देखने को मिली है।
8,254 करोड़ रुपए रहा। ठीक है, एल्यूमिनियम का रिवेन्यू अगर बात करें तो 19.9% घटकर 12,396 करोड़ रुपए रहा। ठीक है, जबकि तांबा और लोह अयस्क खंड में तेजी देखी गई है। तो इनसे सारी चीजें हमें देखने को मिली। और वहीं आप देखोगे FY23 के लिए कंपनी ने $1.7 बिलियन के कैपेक्स का अनुमान लगाया है, जो इस वर्ष $1.2 बिलियन से अधिक है। तो ये इसके हमें जो ना अभी क्वार्टर फोर के नतीजे और जो कंपनी के सीईओ है उनके द्वारा ये बयानबाजी देखने को मिली है। तो इन सब के चलते आप देखोगे शेयर अभी ओवर फॉल हो सकता है। जी, आप देखोगे शेयर में प्रीवियस सेशन में 2% के आसपास गिरावट जरूर आई है, लेकिन स्टॉक यहाँ से और टूट सकता है जिस हिसाब से इसके क्वार्टर फोर के आंकड़े आए हैं। और मंडे को आप देखोगे भी 5 से 10% तक जो शेयर है वो गिरते हुए नजर आ सकता है। और ऐसे में उस नीचे के लेवल से स्टॉक को पिक करना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा, वो मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। आप देखोगे 250 के आसपास जो नीचे में इसका सपोर्ट है, एक स्ट्रांगली सपोर्ट बना हुआ है, और वहाँ तक अगर स्टॉक आए तो वहाँ से उठाने से हमें झिझकाना नहीं चाहिए। अभी नीचे के लेवल से स्टॉक मिले तो पिक कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।